मोटापा आपकी तकलीफें बढ़ा रहा है, या जोड़ों के दर्द से आप परेशान हो चुके हैं, अथवा दांतों की कोई तकलीफ आपको तंग कर रही हो, तो आपको शहद, काले तिल आदि का उपयोग कर लेना चाहिए। तिल का तेल अथवा करेला या किशमिश, अंगूर या खजूर ठीक से सेवन किया जाए तो तकलीफें अपने आप ही आपका पीछा छोड़ देंगी। बापूजी अच्छे से जानते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी ध्यान भजन में मनुष्य आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए अपने साधकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बापूजी बड़े आसान से नुस्खे खोज कर ले आते हैं। तिलों में जो कैल्शियम और विटामिन ए है, बादाम से 6 गुना ज्यादा माना जाता है। तिल बादाम से छठा हिस्से भाव में मिलते हैं, विटामिन ए इसमें 6 गुना ज्यादा है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। तिल काले तिल चबा के ठंडा पानी पीने से शरीर पुष्ट और दांत दृढ़ होते हैं। 10 भाग चूर्ण तिल का और 1 भाग सौंठ, 5 से 10 ग्राम मिश्रण सुबह शाम चबा के खाने वाले को जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, ऐसा लिखा है। तिल का तेल गुनगुना करके 20 से 50 मिलीग्राम पी के गुनगुना पानी पिए तो भूख लगने तक और कुछ न खाए तो मोटे दुबले हो जाएंगे, मोटापा कंट्रोल हो जाएगा और दुबले वजन बढ़ाएंगे। 20 से 50 ग्राम तिल का तेल गुनगुना करके पिए, मोटापा कम हो जाएगा और जो पतले हैं वे थोड़े ठीक ठाक हो जाएंगे, मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी। दुबले वजनदार हो जाएंगे, थोड़े और वजनदार वजन कम करने में सफल हो जाएंगे। तिल की ये चमत्कारिक बात। 50 से 20 ग्राम तक तिल का तेल पीना है, ऊपर से गुनगुना पानी पीना है। जब तक ठीक से भूख न लगे तब तक कुछ न खाना है तो मोटापा नियंत्रित होता है और कमजोरी नियंत्रित होकर थोड़ा ठीक ठाक शरीर बनता है। मोटे दुबले होते हैं, दुबले मोटे होते हैं, अर्थात बिन जरूरी मोटापा नियंत्रित होता है और बिन जरूरी कमजोरी दूर होकर थोड़ा शरीर सुडोल होता है। काले तिल का चूर्ण और करके रख दे, फिर मक्खन में सुबह खा लिया करे तो बवासीर जैसी निगुड़ी बीमारी भी ठीक होती है। तिल और गुड़ मिलाकर खाने से वायु जनित रोगों में आराम होता है। शहद, मिश्री और मुनक्का तीनों संभाग से मिला के खाए तो पित्त जन्य रोग, पित्त की तकलीफ शांत होगी, हृदय के रोग दूर हो जाएंगे, हृदय रोग में आराम मिलेगा। कच्चे करेले का रस गर्म करके लेप गठिया के दर्द को दूर करने में सफल साबित हुआ है। 10 ग्राम आंवले का रस, 10 ग्राम शहद, 1.5-2 महीना लेने से वीर्य विकार नष्ट होते और धातु शुद्ध होता है। भोजन के बाद आधा घंटे के बाद अंगूर का रस 25 ग्राम पीने से दुबलापन, खून की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी ठीक होती है। 1 महीने तक रक्त बढ़ाने के लिए भोजन के बाद अंगूर का रस अथवा तो किशमिश भिगा के, अंगूर नहीं मिलते हो तो किशमिश भिगा के रखे रात को या सुबह, फिर उसको जूस बना के 25 ग्राम रस और 25-30 ग्राम पानी वाला मिला के पिए जूस। पेट फूला फूला रहता हो,
अपच हो, आफरा हो, दिल का दौरा अथवा चक्कर, सिर दर्द अथवा बच्चों की दुर्बलता, बच्चों को कब्जियात की तकलीफ हो, तो भी ये फायदा करता है अंगूर का रस। लोग अंडा खाने को कहते हैं लेकिन बड़ी गलती करते हैं, अंडे से 5 गुना लो तत्व टमाटर में जाता है। लाल कणों की वृद्धि करने में गाजर का रस 1/2 गिलास दिन में 2 बार पिए, 15-20 दिन पिए तो रक्त में लाल कण की वृद्धि होती है और रक्त शुद्ध होता है और पित्त शांत होता है। बचपन में कफ होता है, जवानी में पित्त होता है, बुढ़ापे में वायु की संभावना होती है। लेकिन किसी को बुढ़ापे में भी पित्त है तो फिर रात को अनिद्रा में जूझना पड़ता है। हृदय का रक्त संचार कम हो तो फिर एक उपाय करना चाहिए, गाजर का 1/2 गिलास दिन में 2 बार पिए 15-20 दिन, रक्त की शुद्धि और पित्त की शांति और हृदय के रक्त संचार में फायदा होता है। आंतों की गड़बड़ी हो, मूत्र विकार हो, पथरी हो, मानसिक शारीरिक स्नायुक शक्ति की कमजोरी हो तो खजूर रात को भिगा दे, सुबह दूध में लेने से कब्जियात दूर होती है, घी के साथ लेने से मस्तक हृदय बलवान होता है, एकाग्रता की कमी दूर करता है, कब्जियात दूर करता है, पेट साफ लाता है, दुबलापन दूर करता है, रक्त बढ़ाता है खजूर और दूध। पित्त शांत करना है तो खजूर और घी मिला के ले, रात को भिगा दे, सुबह खजूर और घी मिश्रित करके ले तो भी अच्छा है, ऐसे ले तो भी अच्छा। त्वचा में निखार लाता है खजूर का, ये रात्रि भिगोई हुई खजूर त्वचा में निखार लाती है, शुक्राणु वीर्य को बढ़ाता है, कमर हाथ पैर के दर्द को खजूर दूर कर। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटोफिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप, सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।